अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं पे भी रहें हमेशा खुशआबाद रहें, आमीन। अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग 5-6 दिन से व्लॉग नहीं बना रहे हैं, हमारा कोई व्लॉग नहीं आया है। तो आज हमें टाइम मिला है तो आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। वैसे सुबह से तो मुझे दिल नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि जब 4-5 दिन की बंदा छुट्टी कर लेता है ना तो फिर दिल नहीं करता। ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था कि मुझे भी दिल नहीं कर रहा था मैं ब्लॉग बनाऊं या नहीं, तो मैंने सोचा चले बना ही लेती हूँ मैं भी ब्लॉग। तो आज इतवार का दिन है, भाई की छुट्टी है और मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग 5-6 दिन से छुट्टी क्यों कर रहे थे। पहले तो मेरी तबीयत खराब थी, जैसा कि आपने पिछली ब्लॉग में देखा कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं सो रही थी। तो उसके बाद 2 दिन मेरी तबीयत खराब रही है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई है उसके बाद जो है पापा बिस्तर में लेट गए, यानी कि पापा की 3 दिन तक तबीयत खराब रही है। उसमें सिर्फ हमने सोचा चले व्लॉग बना लेते हैं, लेकिन हम नहीं बना पाए क्योंकि इतनी तबीयत खराब थी मेरी भी 2 दिन से थी, पापा की फिर 3 दिन रही। तो आज मैंने सोचा चले मैं बना ही लेती हूँ। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और भाई गया है नहाने और सुबह से जो है ना आज इत्तफाक से हमारी लाइट नहीं आई। तो जैसे ही भाई जो है नहाने गया, वो भी ठंडे पानी से, भाई ने बोला चले लाइट तो आ नहीं रही, मैं जो नहाने चले जाता हूँ ठंडे पानी से। तो भाई जैसे ही नहाने के लिए गए इत्तफाक से लाइट आ गई, तो भाई ने बोला चले आप मेरी कमीज इस्त्री कर दे। तो मैंने भाई की कमीज इस्त्री कर ली है। तो भाई जो है अभी नहा के आ चुका है और अभी तैयार होगा भाई। और पापा लाए थे कुछ राशन, अभी मुझे ये भी डब्बों में डालना है क्योंकि काफी देर से ऐसी ही रखा हुआ। आप हमें कमेंट करके बोलते रहते हैं कि आपकी यूट्यूब इनकम आ चुकी है, आपने हमें बताया नहीं है। दरअसल बात ये है कि अभी तक हमारी यूट्यूब इनकम आई नहीं है और अभी तक तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए तो अच्छा है। और आप लोग भी प्लीज हमारे लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द हमारी यूट्यूब इनकम आ जाए। और आपको एक बात और बताती चलूं कि आज हमारी बड़ी बहन आएगी, उसने मुझे कल मैसेज करके बताया था कि मैं कल आऊंगी। तो आप भी मेरे ख्याल से आज आए या ना आए, आ जाए तो अच्छी बात है, हम भी मिल लेंगे, काफी टाइम हो गया मिले हुए। नहीं आई तो हमारा व्लॉग रोज की तरह बनेगा, आएगी तो हम आपसे भी मिलवाएंगे। चलिए मैं अभी अपने काम शुरू करती हूँ और भाई यहाँ पे बैठ के लोशन लगा रहे हैं और साथ साथ तैयार भी हो रहे हैं। तो भाई आज आप कहाँ जा रहे हैं तैयार होके? मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं घर में ही हूँ, कहाँ जाऊंगा। क्यों अभी आप तैयार भी हो, अब तैयार हो रहे हो, नहाए भी हो, कहीं जाना नहीं है? नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, घर में ही हूँ मैं। लाजमी जरूरी थोड़ी है कि कोई बंदा जब तैयार होता है तो कहीं घूमने जाए या बाहर ही जाए, लाजमी। मैं सोच रही हूँ चले है ना, आप सुबह से घर में बैठ के बोर हो रहे होगे। चलो सही। वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? लगा शुक्र है काफी दिन के बाद जो है ना मैं वीडियो में आ रहा हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं थी, दिल ही नहीं करता था। जब तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाए ना, और इस उम्र में कुछ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ठंडा मौसम में, तो काफ़ी दिन से मेरी तबीयत डाउन थी। अतनान तो काम पे चले जाता है, काम पे होता है वो। अब ये नेहा अगर 2 दिन से इसकी भी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद ये कैसे बनाती है अकेली, इस वजह से हमने बोला चलो छुट्टी कर लेते हैं इस वक्त। हाँ बैठी हुई है नेहा, आज नेहा जो है ना अकेले मसाला वगैरह काट रही है। मैं बाहर से सौदा लेकर आ गया था और मेरी तबीयत तो डाउन है, मैं इस वक्त जो है पूरा 3 हो गया है मैं आराम कर रहा हूँ। बैठा हुआ है अदनान, ये दोनों बैठे हुए थोड़े गपशप कर रहे हैं। अदनान तैयार हो चुका है इस वक्त, और कहाँ जा रहा है, कहीं तैयारी है कहीं जाने के या घर पे? नहीं कहीं भी नहीं जा रहा, घर में ही बैठा हूँ ऐसे। अच्छा चले चले जाया करें बाहर, मतलब ये ना आपका यहाँ पे कोई दोस्त वोस्त भी नहीं है ना? दोस्त अगर है भी तो बाहर काफी दूर है, अब उसके लिए तुम्हारे को जाना पड़ेगा 2-3 घंटे के लिए। हाँ। मैं दोनों बहन भाई आपस में बातें भी कर रहे हैं और घर का काम भी हो रहा है। काफी दिन बाद तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है, मेरा तो दिल भी नहीं कर रहा था वो। नेहा ने बस वीडियो स्टार्ट कौन, कैसे हैं आप सब? तो नेहा मेरे को नेहा मुझे काफी दिन से बोल रही थी कि भाई भाई आपके बारे में लोग कमेंट करते हैं, आप वीडियो में क्यों नहीं आते या खुद से व्लॉग क्यों नहीं स्टार्ट करते। मैं खुद से व्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं करता क्योंकि मैंने पहले कभी व्लॉग स्टार्ट की नहीं है, तो व्लॉग स्टार्ट करते वक्त ना मुझे शर्म आ जाती है या अजीब सा फील होता है, इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट नहीं करता। आज भी मैं बहुत हिम्मत करके ये वीडियो खुद से बनवा। तो आपको भी हिम्मत करनी चाहिए ना, क्योंकि ये फैमिली चैनल है, सबको आना चाहिए। हम घर में सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे हैं, हम तीनों को बराबर आना चाहिए। थोड़ी वीडियो आप बनवाएं, थोड़ी मैं और थोड़ी पापा। वैसे
आप दोनों जो है ना मेरे ऊपर डाल देते हो कि पूरी दिन की वीडियो मैं बनाऊंगी, ना आप बनवाते हो ना पापा। पापा तो फिर भी थोड़ी बहुत बना लेते हैं, लेकिन आप जो है थोड़ी सी ही बनाते हो। व्लॉग में कम इसलिए आता हूँ क्योंकि शुरू से ही आप दोनों स्टार्ट करते हो व्लॉग, और मैं तो दिन में काम पे होता हूँ, बस रात में ही आता हूँ, तो इसलिए व्लॉग स्टार्ट की हुई होती है आपने पहले से ही, तो उसका एंड भी आपको ही करना होता है। कभी कभी मैं आ जाता हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, मैं इसलिए भी ज्यादा नहीं आता क्योंकि काम से थका हुआ आता हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं आराम करूँ। आगे से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज से कि खुद से व्लॉग स्टार्ट करने की। तो ये तो अच्छी बात है कि आपने खुद सोचा है कि मैं आज से खुद व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, व्लॉग बनाने की भी कोशिश करूंगा। तो आज हम बना रहे हैं कोरमा, बिल्कुल भी पानी वाला कोरमा तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। आज मैंने जो ज्यादा प्याज लिए, सब कुछ ज्यादा ज्यादा लिया है कि मसाले वाला बने, भाई से कोई शिकायत ना हो। तो अभी मैं जो है प्याज पीसने की तैयारी कर रही हूँ, और उसके बाद जो है मेरे को जो पापा सोडा लाए हैं वो भी डालना है, क्योंकि टाइम ज्यादा होता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं पहले खाना पकाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद जो है सोडा डाल लूंगी। तो अभी पहले मैं खाना पकाने की तैयारी करती हूँ, और साथ में पापा भी करवाएंगे, क्योंकि लेकिन आज पापा की तबीयत सही है, तो मैं पापा आप काम कर लें। ये है कि आज काफी दिन से ना तबीयत जो खराब थी, आज काफी बेहतर लग रही है। देखता हूँ अगर हिम्मत होगी तो करवाऊंगा, मतलब तुम्हारे साथ तो बैठा रहूंगा ना किचन में, तुम्हें बताता रहूंगा। वैसे उस दिन की तरह खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। अब उस दिन तो ऐसा हुआ था कि एक दो प्याज डाली थी, आज तो काफी सारी प्याज डाल रही है। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ आपके साथ। ठीक, अभी जो है नेहा किचन में खाना बना रही है और पापा आराम कर रहे हैं। मैं किचन में जाके नेहा को देखता हूँ कि नेहा ने मुझे बोला था कि भाई मैं कोरमा बना रही हूँ, तो मैं देखता हूँ कि पहले की तरह नेहा पानी वाला कोरमा बना रही है या सही बना रही है। मैं जाता हूँ नेहा के पास, देखता हूँ। आ चुका हूँ और अब मैं नेहा से पूछता हूँ कि नेहा क्या बना रही हो। नेहा क्या बना रही हो, पानी वाला कोरमा तो नहीं बना रही पहले की तरह? नहीं, अभी तक तो कोरमा ही बन रहा है। वैसे तो अभी पानी डाला है मैंने, आपको पानी की शक्ल लगेगी कि पानी वाला कोरमा बन रहा है। मैंने पानी डालते हुए देखा था जब भी मैं किचन में आया हूँ। नहीं, असल में मैंने पकाने के लिए पानी डाला है ताकि वो जो मसाला है ना, वो मसाला अच्छे से पक जाए, उसके बाद मैं गोश्त डालूं। अभी वो पानी जलेगा तो मैं गोश्त डालूंगी ना। पानी वाला कोरमा नहीं होना चाहिए, वरना मैं नहीं खाऊंगा इस दफा। देखिए, अभी तक आप खुशबू बताएं, अभी तक कैसी खुशबू आ रही है? खुशबू तो माशाल्लाह काफी अच्छी आ रही है, लेकिन खाऊंगा तो पता चलेगा कि आपने कोरमा बनाया या क्या बनाया। वही ना, खुशबू तो असल कोरमे की आ रही है, लेकिन वो तो पकने के बाद पता चलेगा कि पानी वाला कोरमा पकेगा या मसाले वाला पकेगा। क्योंकि ज्यादातर मैंने ना पापा को बनाते हुए देखा है, पापा बनाते है ना तो बिल्कुल सही बनाते है और अच्छा बनाते है, तो मुझे पसंद भी आता है। आपको पहली दफा देख रहा हूँ मैं छुट्टी वाले दिन कोरमा बनाते हुए, अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा हुआ तो मैं खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। चले कोई नहीं, असल में जो है ना आप पूरा दिन काम पे होते हैं, और शाम में जब मैं खाना पकाती हूँ तो आप मुझे देख नहीं सकते, पापा ही पकाते हैं वैसे अक्सर जब आप घर में होते हो, लेकिन जब आप काम पे होते हो तो मैं भी पकवाती हूँ पापा के साथ, इसलिए आपको ज्यादा पता नहीं है कि मैं पकाती हूँ। तैयार कर लिया है, आप लोग अभी देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, फुल मसाले वाला है। हाँ तो भाई, आपको कैसा लग रहा है अपनी पसंद का कोरमा देखकर? अपनी पसंद का कोरमा देख के? हाँ, आज पहले से तो काफी अच्छा बना है। क्या मतलब पहले से तो काफी मतलब अच्छा बना है? थोड़ा सा पानी कम है इसके अंदर। अच्छा, अभी मतलब कि और पानी होना चाहिए था इसमें? मतलब कि पानी वाला नहीं है ये, जैसा मैं चाहता हूँ खाना, जैसा मुझे खाना अच्छा लगता है वैसे ही पका हुआ है ये। हाँ, अभी आप टेस्ट करके बताएं कैसा है। हाँ, खाना खा लिया है भाई जो है, खाना खा के चरपाई पे बैठ गए हैं। तो भाई, आपको खाना कैसा लगा? वैसे शक्ल में तो आपको अच्छा ही लगा था, पर आप बताएं टेस्ट में कैसा था? नमक मिर्ची? नमक मिर्च भी ठीक थी खाने में, जब मैंने खाया जायका भी अच्छा था, पहले से भी ज्यादा अच्छा था। पहले तो मुझे कुछ खास नहीं लगा था क्योंकि वो पानी वाला कोरमा था ना, इसलिए। अच्छा। आज उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था, जैसा मैं चाह रहा था से ही आपने और पापा ने पकाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आया खाने में। यानी कि आपका तो फेवरेट कोरमा हो गया, अब हमेशा इसी तरीके से बनाऊं या थोड़ा ऊपर नीचे करूं? फेवरेट तो कोरमा नहीं हुआ, लेकिन हमेशा जब भी बनाओ ना तो पानी कम डाला करो और प्याज ज्यादा डाला करो। चले ठीक। तो आप सब ने देखा, भाई ने मेरे खाने की तारीफ की है, वो भी आज पहली बार मेरे खाने की तारीफ की है।
पिछली बार तो मेरे कोरमे को पानी वाला कोरमा बना दिया था, तो मैं बहुत खुश हूँ भाई ने मेरे खाने की तारीफ की है। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो भी हमारी काफी लंबी होती जा रही है। तो आज का जो ब्लॉग था हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।